हमने पिछले वीडियो में ज्योमेट्रीज के कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड वो अपन ने पढ़ लिए थे कि जैसे साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू, कॉस पाई प्लस थीटा की वैल्यू, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, उस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बनते हैं उनका कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया था। उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन, उसके आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अपन फॉर्मूलों को भी अपन नहीं पढ़ेंगे, वो आप बुक से भी देख सकते हो, ठीक है ना। अब अपन सीधा एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं कि उन फॉर्मूलों का यूज अपन कैसे करें, ठीक है ना, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो अपन करके इसमें देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का 5th क्वेश्चन है, उसमें दो क्वेश्चन है कि साइन 75 एंड साइन सॉरी टेन 15 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इन दोनों की वैल्यू कैसे निकाले, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जानते हैं उसमें अपने पास किस किस की वैल्यू होती है, 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू। अब अपन साइन 75 कैसे निकालेंगे, टेन 15 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है आपको, जैसे पहला है साइन 75 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो साइन 75 को 75 के दो पार्ट्स ऐसे करने हैं जिसकी टेबल में वैल्यू है। जैसे इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इस तरह से लिखूंगा, बिकॉज 45 डिग्री पे भी वैल्यू है और 30 डिग्री पे भी टेबल में वैल्यू होती है। अब अपन क्या करेंगे, यहां पे देखो मान लो ये x और ये y हो गया, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला है, ठीक है, इस एक्सरसाइज के पहले एक फॉर्मूला है, साइन x प्लस y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y, ये एक फॉर्मूला, इसका यूज करके अपन वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे देखो साइन 75 को अपन ने क्या लिखा, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, देन ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो आपको इस फॉर्मूले में यहां पे वैल्यू रख देनी, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है, तो एक्स की वैल्यू 45, वाई की वैल्यू आपको 30 पुट कर देनी, तो साइन 45 डिग्री कॉस वाई यानी कॉस वाई की वैल्यू कितनी है 30 प्लस कॉस एक्स यानी कॉस 45 साइन वाई यानी साइन 30 डिग्री हो गया। अब यहां इसके नीचे आप वैल्यू रख के इसको इजी वे में सॉल्व करोगे तो साइन 75 आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे रखते हैं, साइन 45 1/√2 कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 कितना होता है हाफ होता है। अब यहां इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो √3 का 1 से √3 अपॉन 2√2 नीचे आ गया प्लस यहां पे 1/√2 आ गया, ठीक है, नीचे 2√2 सेम है तो 2√2 लिखा और ऊपर √3 + 1 इसको डायरेक्टली लिख देंगे √3 + 1, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें निकालनी है सपोज 10 15 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे अपन को फॉर्मूला जो यूज करना है वो दो फॉर्मूले, देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 - tan a tan b, ठीक है, उसी तरह टेन ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला बनाना हो तो यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा, मीन्स अगर टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 - tan a tan b यहां पे प्लस, ठीक है, सॉरी टेन ए माइनस टेन बी 1 + tan a tan b दोनों सेम, यहां पे जब प्लस होता है तो यहां प्लस और नीचे माइनस, यहां पे जब माइनस है तो यहां माइनस कर दो नीचे प्लस कर दो, ठीक है, इसको याद रखना आसान है, इस फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे। अब यहां जैसे टेन 15 है तो टेन 15 की भी टेबल में कोई वैल्यू नहीं होती है, अब अपन क्या करेंगे इसको भी ऐसी दो वैल्यू में डिवाइड कर देंगे या इसके दो टुकड़े इस तरह से लिखेंगे कि जिनकी वैल्यू टेबल में हो, तो अपन टेन 15 को यहां क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 45 - 30 डिग्री, है ना, 45 - 30 15 आ जाएगा। अब ये अपना बन गया ए और ये बी, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी यानी ये वाला फॉर्मूला यूज हो, ठीक है ना, तो इसमें यहां पे वैल्यू रखनी, देखो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस
टेन ए टेन बी, तो यहां पे टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, ए की जगह आपको 45 पुट करना है और बी की जगह आपको 30 पुट करना है, तो टेन 45 माइनस टेन 30 वन प्लस टेन 45 टेन 30, ठीक है। अब टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन, यहां पे वन रख दो, माइनस टेन 30 वन बाय रूट थ्री, फिर नीचे वन प्लस टेन 45 कितनी वैल्यू होती है, वन, यहां पे इनटू है और टेन 30 यानी वन बाय रूट थ्री, इसमें वैल्यू पुट, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके टेन 15 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो ऊपर यहां रूट थ्री एलसीएम ले लो, ऊपर रूट थ्री एलसीएम, तो रूट थ्री माइनस वन आ गया, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, रूट थ्री का सीधा वन से मल्टीप्लाई, रूट थ्री माइनस यहाँ पे वन, उसी तरह यहाँ पे देखो ये क्या बना, वन इंटू वन वन, ठीक है ना, ये वन ही आ जाएगा। अब रूट थ्री यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट थ्री का वन से मल्टीप्लाई रूट थ्री और प्लस यहाँ पे रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया तो वन, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट देखो नीचे भी काट सकते हो, रूट थ्री सेम है, इसको सीधा अपन काट सकते हैं, ऊपर रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस, ये अपना आंसर है, ठीक है। इसको आगे और भी रेशनलाइज करके तुम आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सिक्स, अब ये आपको दिखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन है इजी। अब यहाँ पे प्रूव करना है, मींस ये एलएचएस है, इसको सॉल्व करके हमें आंसर लाना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ सीधा सीधा एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, देखो अगर ये यहाँ पे ये सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, यानी अगर इसको ए मान ले, ये बी मान ले, ये ए और ये बी, क्योंकि यहाँ cos पाई बाई फोर माइनस एक्स cos पाई बाई फोर माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स साइन पाई बाई फोर माइनस वाई, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है आंसर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos a ये क्या बन जाएगा अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो ये रिपीट हो रहा है, तो cos a cos b माइनस साइन साइन a साइन b इज इक्वल टू क्या होता है। अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कॉज ऑफ ए प्लस बी का, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो यहां अपन सीधा लिख देंगे इज इक्वल टू कॉज, इसको शॉर्ट से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये इसको ए माना है इसको बी माना है, तो ये बन गया कॉज a cos b माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है cos a प्लस बी, यानी cos a, a क्या है पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस बी, प्लस बी क्या है cos पाई बाई फोर माइनस वाई। अब इसको सीधा आपको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो cos का cos पाई बाई फोर और पाई बाई फोर एड करेंगे आप तो पाई बाई टू आएगा, पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई टू, और माइनस इन दोनों को मैं क्या लिखूंगा माइनस कॉमन लेके इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पे एक फॉर्मूला लगता है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है, अब यहां ये थीटा है तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये अपने आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन एन प्लस वन इंटू एक्स साइन एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स कॉस एन प्लस टू टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहां भी ये इंटू एक्स है वो अलग नहीं है, ये पूरा मिलके थीटा होता है, ठीक है ना, ये तो यहां पर भी आप गौर से देखोगे तो पिछला जो क्वेश्चन किया था वैसे ना वैसे इसमें भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं इसको पहले क्या कर दूंगा, मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज ये x इसके साथ है, तो यहाँ पे हो गया एन एक्स प्लस एक्स, फिर ये हो गया साइन एन एक्स प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन एक्स प्लस एक्स और कॉस एन एक्स प्लस टू एक्स, इस तरह से मैं लिख दूंगा, ठीक है। हमें इसका आंसर लाना है cos x, बिल्कुल सिंपल। अब यहां पे भी देखो साइन a, अगर ये देखो रिपीट हो रहा है एन एक्स प्लस एक्स तो ये ए मान लो, और ये यहां पे रिपीट हो रहा है तो ये अगर अपन मान लेते हैं यहां पे बी, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी,
किसका फॉर्मूला है। अब आप देखोगे गौर से, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, चाहे ये आगे लिखो या ये पीछे लिखो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये साइन ए कॉस साइन ए साइन बी आगे लिखा हुआ है, ये पीछे लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मूला है, इसको यहां से देखना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब यहां पे अपन लेंगे कॉस ऑफ ए, ए क्या है, ये एन एक्स प्लस एक्स माइनस बी, बी यानी ये। अब इसको माइनस करना है, दोनों के साइन चेंज हो गए, जैसे एन एक्स माइनस टू एक्स इस तरह से आपको लिखना है यहां पर, ठीक है ना। ए माइनस बी किया तो एन एक्स प्लस एक्स माइनस, अब इसके साइन चेंज होंगे, बाद वाले जो माइनस होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस है एन एक्स माइनस टू एक्स। अब देखो एन एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, ठीक है, ये अपन कल पढ़ेंगे। तो ये अपना आर एच एस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऊपर लास्ट देखते हैं इसमें, कि साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स इज इक्वल टू हमें लाना है साइन टू एक्स साइन टेन एक्स ला। अपन सबसे पहले जैसे एल एच एस यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स। अब सबसे पहली आइडेंटिटी तो यहाँ पे दिख रही है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे पहले इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में पहले इसको लिख दो, साइन सिक्स एक्स प्लस साइन फोर एक्स इंटू यहाँ पे करेंगे साइन सिक्स एक्स माइनस साइन फोर एक्स, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या सॉल्व करना है, ये अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, आपने पहले इस 3.3 के पहले फॉर्मूले देखे हैं, उसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू, ये होता है, ठीक है, यानी साइन प्लस साइन इज इक्वल टू टू साइन कॉस होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगना, ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। अब इन दोनों को देखो बाय टू कब करना है, कंफ्यूजन यही है कि बाय टू कब करना है, जब मल्टीप्लाई में आ रहा है साइन प्लस साइन से, ये साइन इंटू कॉस, यहाँ पे इंटू है, जब भी इंटू में आएगा साइन प्लस साइन साइन कॉस टू आगे लगेगा, तो यहां जब भी इंटू में ये लिखेंगे बाय टू वहां पे आपको करना है। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज अपन इसमें करेंगे, देखो यहाँ पे टू साइन कॉस, तो यहाँ पे पहले टू लगा देंगे इसको, तो टू साइन ए प्लस बी बाय टू यानी सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स बाय टू कर दिया, और कॉस ए माइनस बी बाय टू सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स बाय टू कर दिया। उसी तरह इसमें लगाओ, इसमें भी टू आ जाएगा टू, और यहां पे भी देखो साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन में ये फॉर्मूला टू कॉस ए प्लस बी बाय टू सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स बाय टू एंड साइन ए माइनस बी बाय टू सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स बाय टू। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, टू एंड टू, ठीक है, टू और टू यहां पे डबल आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको टू डॉट टू मैं ऐसे ही लिखता हूं, टू इंटू टू, ठीक है। अब यहां देखो इसका क्या होगा, साइन सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स कितना होगा टेन, और टेन को टू से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया साइन फाइव एक्स, ठीक है। अब यहां पे देखो कॉस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स, सिक्स में से फोर एक्स माइनस किए तो टू एक्स, टू एक्स को टू से डिवाइड किया तो ओनली एक्स, यानी कॉस एक्स हो गया ये। उसी तरह यहां पे ये टू तो अपन ने आगे लिख दिया, यहां पे करो कॉस, तो कॉस लिखा मैंने सिक्स प्लस फोर टेन, टेन डिवाइड टू यानी फाइव एक्स, और यहां पे देखो साइन सिक्स माइनस फोर यानी टू, टू एक्स, टू एक्स अपॉन टू यानी क्या आ जाएगा ये एक्स आएगा। अब हमें लाना है यहां पे देखो साइन टू एक्स। अब साइन टू एक्स कैसे आता है, देखो एक फॉर्मूला होता है,
साइन टू एक्स लाने का फॉर्मूला होता है टू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां जितने एक्स हैं उसके डबल कर दें यहां पे। अगर मान लो यहां पे फॉर्मूला कैसे बनता है, यहां पे अगर मैं टू एक्स कॉस टू एक्स कर दू, एक्स की जगह यहां टू एक्स और यहां टू एक्स कर दिया, तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, ये फोर एक्स बन जाएगा डबल, ठीक है ना। यहां टू एक्स का फॉर्मूला में एक बार एक एक्स एक्स आएगा, यानी जितना एक्स है उसका आधा, तो जब फोर एक्स करेंगे तो यहां टू एक्स होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ टेन एक्स है तो यहाँ फाइव एक्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें, देखो साइन टू एक्स लाना है तो साइन टू एक्स के लिए अपन कौन से पेयर बनाएंगे, एक तो टू लेंगे, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स ले लेंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स ये ले लिया, इन तीनों को मैंने साथ में लिखा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब जो बचे उनको साथ में लिख दो, एक ये टू बचा तो टू, फिर साइन फाइव एक्स एंड cos 5x, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने cos 5x। अब ये देखो यहाँ पे तो सीधा बन रहा है sin 2x, आ गया ये अपने आंसर। और यहाँ पे देखो 2 sin 5x cos 5x, तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे थीटा जितना होगा 5x होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा, 2 sin x cos x is equal to sin 2x, तो जितना ये थीटा है x उसका डबल करना इसके अकॉर्डिंग। यहां जैसे x x था तो 2x किया, तो यहाँ 5x 5x है तो ये क्या बन गया 5x का डबल साइन 10x, यही अपना आंसर, ठीक है। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी इसको देख के कर सकते हो। थैंक यू।